नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइजर AM में, जहां हम सभी लोग लॉ तथा विधायिकाओं द्वारा पारित किए गए अधिनियमों से संदर्भित चर्चा करते हैं तथा साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशल डिस्कशन होते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में इस समय एक विशेष डिस्कशन चल रहा है, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की संवैधानिकता पर प्रश्न करता है और उसकी सुनवाई इसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर अवश्य करिए और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में प्रश्न जरूर करिए। तो दोस्तों, इस विषय पर डिस्कशन चल रहा था। हालांकि डिस्कशन ये है, जैसा कि CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह स्पष्ट किया कि हमारे जो संज्ञान में डिस्कशन है वो डिस्कशन केवल इतना है कि क्या 370 का निरस्त किया जाना संवैधानिक था या नहीं। लेकिन इस डिस्कशन में विपक्ष की ओर से प्रस्तुत कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह कहा कि यह एक राजनीतिक स्टंट था और इस राजनीतिक स्टंट के लिए ब्रेक्जिट जैसा जनमत संग्रह कराया जाना बहुत आवश्यक था। अब यहाँ पर समझने योग्य यह है कि ब्रेक्जिट क्या होता है। तो ब्रेक्जिट वह एक व्यवस्था है, जब ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग हुआ था तो उस समय जो जनमत संग्रह कराया गया था उस प्रक्रिया को ब्रेक्जिट कहा जाता था। तो कपिल सिब्बल जी ने कहा कि क्योंकि अनुच्छेद 370 का निरस्त किया जाना उसी प्रकार की एक प्रक्रिया है, इसलिए जनमत संग्रह कराया जाना आवश्यक था। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसी 5 सदस्यीय संविधान समिति ने, बेंच ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह की अनुच्छेद 370 में कोई आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन से एक देश के अलग होने या विलय होने की बात थी, यहाँ पर अपने ही देश में प्रचलित एक कानून को निरस्त करने या उसमें एक नया तथ्य जोड़ने की बात है। तो यह भारतीय संविधान के अनुरूप है कि नहीं, यह डिस्कशन तो ठीक है लेकिन उसके लिए जनमत संग्रह कराना यह अनुचित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी यह कहा कि इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या अनुच्छेद 370 का निरस्त किया जाना संविधान सम्मत था अथवा नहीं। आगे इसमें जो भी डिस्कशन होगा, जो भी बातें आएंगी, उसको हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार।